अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू उर्दू पिक्सल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको मुल्क यमन के मतलब बताऊंगी, लेकिन इस बारे में बात करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नाज़रीन, मुल्क यमन एक इस्लामी मुल्क है और मुल्क यमन अब दुनिया का आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है। मुल्क यमन अरब का एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कोई बादशाहत नहीं है, बल्कि इसका निज़ाम जमहूरी है। नाज़रीन, मुल्क यमन का कुल रकबा तकरीबन 5,27,968 मुरबा किलोमीटर है। रकबे की बना पर मुल्क यमन दुनिया में 49वें नंबर पर आने वाला मुल्क है। यमन को सरकारी तौर पर रिपब्लिक ऑफ यमन कहा जाता है। यमन की कुल आबादी तकरीबन 2,75,84,213 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से यमन दुनिया के 48वें नंबर पर आने वाला मुल्क है। यमन का दारुल हुकूमत सना है। नाज़रीन, यमन मुल्क के परचम का रंग सुरख, सफेद और स्याह है। अरब जज़ीरों में आने वाला दूसरा बड़ा मुल्क यमन है। नाज़रीन, यमन मुल्क में 200 से ज्यादा जज़ीरे भी मौजूद हैं। नाज़रीन, मुल्क यमन अरब में सबसे गरीब मुल्क जाना जाता है। यही वजह है कि मुल्क में गजा की बहुत कमी है, जिसकी वजह से मुल्क यमन में 2018 में 85,000 बच्चे गजा की कमी की वजह से मौत के मुँह में चले गए। नाज़रीन, मुल्क यमन के ज्यादातर बशिंदे अरब से ताल्लुक रखते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मुल्क यमन एक इस्लामी मुल्क है, इसलिए मुल्क यमन में 100% लोग मुसलमान हैं, जिनमें 65% मुसलमान सुन्नी हैं और 35% मुसलमान शिया हैं। और कहा जाता है मुल्क में 0.5% लोग गैर मुस्लिम हैं। नाज़रीन, मुल्क यमन में बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन मुल्क में ज़्यादातर लोग अरबी ज़बान बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ी ज़बान भी काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है। नाज़रीन, मुल्क यमन में बहर अहमर का साहली इलाका नीम सहराई है। मुल्क यमन में बहुत से पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं जहाँ पर बारिशों का सिलसिला जारी रहता है। नाज़रीन, मुल्क यमन के ज़्यादातर मईशत ज़राअत और सन्नत के शोबे से मुंसलिक है। मुल्क यमन की ज़रई पैदावार में गंदम, सब्जियाँ, फल, दूध, मछली और दालें वगैरह शामिल हैं। मुल्क यमन की बरामदात में खाम तेल, खुश्क मेवाजात, कॉफ़ी और नमकीन मछली शामिल हैं। मुल्क यमन के सनती शोबे में खाम तेल की पैदावार, दस्तकारी चमड़े का सामान, एलुमिनियम की मसनूआत, तजार जहाज़ों की मरम्मत, कुदरती गैस की पैदावार काबिले जिक्र है। नाज़रीन, यमन की करेंसी को यमनी रियाल कहा जाता है और एक यमनी रियाल पाकिस्तान के 64 पैसे के बराबर होता है। नाज़रीन, यमन के 17 सूबे हैं और हर सूबे पर एक अलग अमीर हुकूमत करता है। मुल्क यमन पर कोई बादशाह हुकूमत नहीं करता, बल्कि इसका निज़ाम जमहूरी है। नाज़रीन, मुल्क यमन का सरबराह सदर होता है और हुकूमती सरबराह वज़ीर आज़म होता है। मुल्क यमन शरह पैदाइश के लिहाज से दूसरे नंबर पर आने वाला मुल्क है और पहले नंबर पर आने वाले मुल्क का नाम इराक है। नाज़रीन, यमन की आबादी तेजी से बढ़ रही है। नाज़रीन, यमन ब्रिटिश के तलीमी निज़ाम में सबसे कम दर्जे पर आने वाला मुल्क है। मुल्क यमन की 50% से भी ज्यादा आबादी बहुत गरीब है। नाज़रीन, मुल्क यमन का जो सबसे बड़ा जज़ीरा है उसका नाम यकतूरा है। क्या आप जानते हैं मुल्क यमन इस्लामी वाकयात की सरजमीन भी कहलाता है? नाज़रीन, यमन का शहर सना, जो कि यमन का दारुल खिलाफा भी है, दुनिया के कदीम तरीन जगहों में से एक है। यहाँ दिन के वक्त शदीद गर्मी होती है, लेकिन रात के वक्त मौसम ठंडा हो जाता है और शदीद सर्दी होती है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि यमन के मशरिक में एक सहरा है जिसका नाम रूप है और यहाँ पर सालों तक बारिश नहीं होती है? नाज़रीन, इस मुल्क का सबसे बुलंद मकाम एक पहाड़ है जिसका नाम जबले श्वेब है, जो सतह समंदर से तकरीबन 12,028 फीट लंबी पर है। नाज़रीन, हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस गैर अखलाकी तरीके से शहरियों पर तशद्दुद, गैर इंसानी सलूक और सजाए मौत जैसे काम करते हैं। नाज़रीन, यमन में शरई कानून लागू होता है। क्योंकि ये एक इस्लामी मुल्क है, इसलिए इसमें इस्लाम का कानून लागू होता है, जिसकी वजह से यहाँ की औरतें मुकम्मल पर्दा करती हैं और दूसरे ममालिक की औरतें भी यमन में आकर उनके कवानीन को अपनाती हैं और मुकम्मल पर्दा करती हैं। नाज़रीन, यहाँ पर इस्लामी कानून की पासदारी की जाती है और अगर यहाँ पर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ कटवा दिए जाते हैं और कोई शख्स इस्लाम के मतलब कोई भी गलत बात नहीं कर सकता और अगर वो ऐसा करता है तो उसकी ज़ुबान कटवा दी जाती है। नाज़रीन, मुल्क यमन में सबका म्यार एक जैसा होता है। नाज़रीन, मुल्क यमन में छोटे बच्चों और बच्चियों की शादी करने का रवाज बहुत आम है। नाज़रीन, अगर आप शादियों से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं तो आपको यमन की शादियों में शिरकत करनी चाहिए।
चाहिए। यमनी शादियों की तकरीबन 21 दिन तक जारी रहती है और इस मुल्क में शराब पर सख्त पाबंदी है। यमन के लोग इंतहाई पुरखलूस, वफादार और मेहमान नवाजी करने वाले लोग होते हैं। नाज़रीन, यमन का सबसे मकबूल खेल फुटबॉल है। वक्त के लिहाज से यमन पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। नाज़रीन, यमनी लोगों की सबसे फेवरेट डिश साल का नामी डिश है, जो कि टमाटर से बनती है। ये डिश उनकी कौमी डिश भी कहलाती है और वो इस डिश को शादी के फंक्शन में जरूर बनवाते हैं। यमनी लोगों में छोटी उम्र और बेजोर शादियां करने का बहुत आम रिवाज है और इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी गुर्बत है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।